हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द रिएक्शन MgO सॉलिड प्लस में कार्बन सॉलिड गिव्स द Mg सॉलिड प्लस में CO गैस फॉर विच डेल्टा एच नॉट इक्वल टू द प्लस 491.1 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच नॉट इक्वल टू द 198 जूल पर कैलविन पर मोल इज नॉट फिजिबल एट 298 कैलविन। तो इज नॉट फिजिबल एट 298 कैलविन का मतलब है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करती है बच्चों। तो क्या है इसका मतलब कि डेल्टा जी इसके लिए क्या है कि 298 केल्विन पे लेस देन जीरो नहीं है, वो क्या है डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी बच्चों। टेम्परेचर एबव विच द रिएक्शन विल बी द फिजिकल, तो फिजिबल। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें वो टेम्परेचर बताना है जिसपे हमारी ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, फिजिबल हो बच्चों। तो वो हम लोग किस तरीके से बताएंगे बच्चों, तो इसके लिए अगर हम देखें तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा, तो डेल्टा एच नॉट माइनस में टी डेल्टा एच नॉट होता है बच्चों इस तरीके से। तो डेल्टा जी नॉट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा एच नॉट माइनस में टी डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट हमारा क्या होना चाहिए, विल बी द लेस देन द टी डेल्टा एच नॉट। तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर विल बी द ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट अपॉन में डेल्टा एच नॉट, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या है 491.1 एंड किलो जूल पर मोल में, तो इसको 1000 लिख लो बच्चों, क्या लिख लो 1000, और अपॉन में आपके पास क्या है कि 198 है, क्या है बच्चों 198 है। तो 491.1 को अगर मैं 198 से डिवाइड करूं तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये हमारा, तो ये आ जाएगा 2.480 है ना बच्चों, क्या आ जाएगा 2.480 के समथिंग आ जाएगा इस तरीके से, एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा बच्चों 1000, है ना। तो ये हमारा किसके अराउंड आ जाएगा, तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, विल बी द ग्रेटर देन द 2480 केल्विन। किससे बच्चों, 2480 केल्विन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो 2040.5 केल्विन बिल्कुल नहीं, 1890 केल्विन बिल्कुल नहीं बच्चों, 2380.5 केल्विन ये भी नहीं बच्चों, 2480.3 केल्विन। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल फिजिबल होगी। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।